हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। आज हम आपके लिए बेहतरीन टेस्टी यमी डेजर्ट मलाई ड्राई फ्रूट विद साबूदाना। चलिए फ्रेंड, फिर बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है और इसको हम पानी में भिगो देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको साबूदाना जल्दी चाहिए भिगा हुआ, तो आप इसको गर्म पानी में भिगो के रखें। साबूदाना 15 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। अब हम एक बड़े बर्तन में साबूदाना को निकाल लेंगे और उसमें हम एक कप पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, अच्छे से साबूदाना गीला हो जाए। अब हम गैस पे भगोनी रखेंगे और उसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि दूध का कलर चेंज हो जाए, एकदम पिंक कलर का हो जाए। इतना दूध को हम बॉईल करेंगे। अब दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना डाल देंगे। फ्रेंड, साबूदाना को कंटिन्यू चलाते रहें थोड़ी देर तक, जिससे साबूदाना फटेगा नहीं और खीर जो है बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। देखो फ्रेंड, साबूदाना फूलने लगा है। अब हम इसमें एक कटोरी मलाई को डाल देंगे। मलाई डालने से खीर का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसको चलाते रहेंगे। खीर पौष्टिक भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत डाले जाते हैं, जिससे खीर का टेस्ट डबल हो जाता है। व्रत में जब हम खीर बनाते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती रहे। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे। शक्कर हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, यानी आधी कटोरी छोटी वाली ली है, और इसको हम 3-4 मिनट तक और चलाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, हमने काजू, किशमिश, चिरौंजी पाउडर और पिस्ता, केसर के धागे लिए हैं। अब इसमें हम इलायची पाउडर को डालेंगे। इलायची पाउडर से खीर का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हमने बचा के रखे हैं बाद में डालने के लिए। गैस को बंद कर दें और किसी बाउल में निकाल के रख लें। बाउल में निकालने के बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और केसर के धागे को डालेंगे। जब मन करे तब इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि व्रत हो तभी बनाएं, कोई फेस्टिवल हो तभी बनाएं। ये ज़बरदस्त मलाई खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जब दिल करे तब बना के खाइए। थैंक यू।